Hello guys, welcome back to my channel. So today for lunch I'm gonna make chicken 65 biryani. So I'm gonna share the recipe with you all. तो यहाँ पे देखिए मैं सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स ले ली हूँ. मैं एक बड़ा वाला ऑनियन लिया हूँ चॉप करके, फिर 5-6 ग्रीन चिलीज एंड 8-10 करी पत्ता या करी लीव्स एंड अ होल बल्ब ऑफ गार्लिक एंड 2 inches जिंजर. हियर आई टुक सावर क्रीम. You can see it's a light from Kroger and it's 50% less fat. I took that shower cream. और यहाँ पे मैं ली हूँ थोड़ा गरम मसाला, 3-4 cinnamon sticks, 5-6 cardamom and 5-6 cloves and then mace and nutmeg. And I took chicken 65 masala. We need for chicken 65 biryani, we need to make the chicken 65 chicken first. And then I took 2 tomatoes. And here for biryani I took 2 cups of rice that I already इसको मैंने वॉश करके फिर इसको सोक करके रखी हूँ इधर, मतलब वॉश करने के बाद स्टेन करके. और यहाँ पे मैंने ली हूँ 500 ग्राम्स चिकन थाई पीस. यू कैन यूज ब्रेस्ट पीस ऑल्सो. नाउ आई एम एडिंग 1 tablespoon ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड उसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा चिकन 65 मसाला, अराउंड 3 tablespoon. एंड नाउ आई विल मिक्स इट नाइसली. आफ्टर मिक्सिंग मैंने इसके साथ ऐड किया है एक अंडा, आप देख रहे हो 1 egg आई हैव एडेड. एंड देन आई एम एडिंग 2-3 tablespoon ऑफ कॉर्नफ्लोर. Now I will mix all together nicely. So now mix करने के बाद अच्छे से मैं इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगा. ऐसे ही मिक्स करके मैं रख लूंगा सब कुछ एक साथ. फिर 1 घंटे बाद काइंड ऑफ मैरिनेशन एंड यू नीड टू ऐड सम सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. एंड ऑलरेडी दिस चिकन 65 मसाला हैज सॉल्ट, सो आई थिंक लिटिल बिट लेस सॉल्ट विल बी गुड एक्चुअली. फिर बाद में हम लोग ऐड कर सकते हैं. सो हियर आई हैव स्टार्टेड पुटिंग ऑयल इन अ पैन बिकॉज वी नीड टू फ्राई द चिकन पीसेस इन टू द ऑयल. सो यू कैन सी आई टुक अ काइंड ऑफ गुड अमाउंट ऑफ ऑयल. नाउ एक एक करके मैं सारे के सारे चिकन को फ्राई कर लूँगी पहले. तो थोड़ा सा होने के बाद मैंने इसको फ्लिप कर दिया कि दूसरे साइड भी अच्छे से फ्राई हो जाए. तो मेरा चिकन अभी फ्राई हो चुका है तो मैं एक बाउल में इसको उठा लूंगी. देख सकते हो कितना नाइस एंड ब्राउन कलर आया है इसका. चिकन 65 के लिए अगर आप चाहे तो थोड़ा सा रेड कलर भी यूज़ कर सकते हो. मैं नहीं करूँगी, मैं घर के लिए मैं वो सब यूज़ नहीं करती हूँ. तो यहाँ पे रही मेरा 2nd batch क्योंकि एक साथ सारे के सारे नहीं डाल सकती हूँ, नहीं तो स्टक हो जाएगा. अभी उसी सेम पैन में मैं डाल रही हूँ जो लेफ्ट ओवर ऑयल था उसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ 1 tablespoon ऑफ बटर for making the chicken 65 gravy. It will be like not like very runny gravy, it will be like kind of dry, but it of course it is has some little bit of moist also, it's not like fully dry. To abhi isme iske sath main dalungi abhi green chilies and kari patta and I will fry it for a minute. And then I will add some chopped onion, very less, like 1 tablespoon of chopped onion, not more. It's optional, you can skip the onion part also, but I'm just adding simply, I don't know why. अभी मैं डाल रही हूँ 1 tablespoon of ginger garlic paste. And अभी सब कुछ एक अच्छे से fry कर लेंगे.
अभी मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर एंड एक साथ सब हम लोग फ्राई करेंगे। अभी हम लोग ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ चिकन 65 मसाला जस्ट टू गिव द फ्लेवर इन द ग्रेवी ऑफ चिकन 65। इफ यू डोंट हैव मसाला डोंट वरी, यू कैन ऐड कोरिएंडर देन क्यूमिन पाउडर एंड गरम मसाला पाउडर टुगेदर 1 टीस्पून 1 टीस्पून 1 टीस्पून, देन इट विल बी द सेम। नाउ आई एम एडिंग 2 chopped tomatoes. The tomatoes I showed you, right? So that 2 tomatoes I chopped them, and now I am adding here. If you don't have, you can add the tomato sauce also or tomato puree, whatever the store bought, you can use to save times. So now I'm adding water and just I'll try to make it very tender and soft. So here you can see our tomato has become little bit soft only, and it started drying. So I will just make it little more dry. So here it's ready, our tomato puree kind of thing, gravy. Now I will add 3 tablespoons to 4 tablespoons of shower cream. This is very less fat, so we need little more. If you have the heavy cream, you can use less. So and now I mix them all together. Here comes the chicken. Now I'm adding the chicken. Actually, इसके साथ मुझे chicken मिलाना है अच्छे से, फिर मैं इसको cover करके 2 से 3 मिनट तक मैं इसको पकने दूंगी। तो आप देख सकते हो मेरा chicken 65 already ready हो चुका है, तो मैं अभी इसको एक bowl में transfer कर दी हूँ, क्योंकि अभी हम लोगों को बनाना है बिरयानी, फिर हम दोनों को एक साथ मिला देंगे। तो हियर आप इसी एक ही पैन में जो भी है, मैं थोड़ा सा ऑयल एंड उसमें अभी होल गरम मसाला डाल चुकी हूँ। उसमें है मेस, कार्डमम 5 to 6, 3 to 4 सिनेमन स्टिक्स एंड 5 to 6 क्लोव्स। मेस एंड नटमेग इज़ वेरी एसेंशियल, and I have added the rest of the chopped onion, and frying. जब ये golden brown हो जाए तब मैं इसमें add कर रही हूँ 1 tablespoon of ginger garlic paste and 1 tablespoon of red chili powder. This is Kashmiri mirch, so you don't have to worry about it so spicy or what. Even though it's like I like spicy, but because of kid we can't. And I have added 1 tablespoon of biryani masala and 2 tablespoon of curd. So now we will mix and cook it very nicely to make the biryani. You can see my masala is already fried. So now I will add the rice, the washed rice. Here I took 2 cups of rice. Now I will mix them. You can fry also for a light little bit, and I'm adding the nutmeg also. I took a whole nutmeg, but I will just grate it little bit. And now I'm adding the water. So for 2 cups of rice, we need 4 cups of water, and adding the salt. Salt according to your taste. After mixing with water, you can take a spoon and drink the water, that whether it's salty or not. And let cook it for 10 to 15 minutes. So you can see our biryani is already ready. So I'm adding the ghee with it to give the biryani flavor. And I'm adding the saffron mixed with milk. If you don't have, don't mind. It's okay. Without it also you can make. And cover it. So here our biryani ready. So now from the top I am adding the chicken 65, and I will cover it up and cook it for a while, like 5 minutes, not more than that, or else the chicken will become like very soft. I don't like, I like kind of crunchy and softy and moist.
So after 5 minutes, you can see it's ready to eat, and it will be like very yummy. So here comes the serving time. So that's it for today. Thanks for watching and staying with me, and I see you in my next vlog. Bye bye.